करण जौहर और करीना कपूर, ये बराबर ये दोनों के मामले में क्या बताऊं मैं, कुछ समझ में नहीं आता है। थोड़ी सी पीछे से स्टोरी बताऊंगा, लेकिन आखिरी तक वीडियो जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हाथ जोड़ के प्लीज, बहुत मैं अपनी सारी चीजें मैंने बर्बाद कर दी है, फिर भी आप लोगों के पास सच्चाई बता देता हूँ, यहाँ तक कि बॉलीवुड की हो या फिर पॉलिटिशियन की हो, क्योंकि बॉलीवुड की मैं बताता हूँ तो मेरा काम खत्म होता है, पॉलिटिशियन की बताऊँ तो मेरे लाइफ पे ऑलरेडी रिस्क है। और अगर मैं और किसी सुशांत सिंह राजपूत के केस में बात करता हूँ तो जो नॉर्मल लोग मेरे साथ में जुड़ सकते थे, जो डांस क्लासेस है उसके, वो भी अलग हो जाते हैं। तो मेरा हर तरह से इनकम सोर्स तो खत्म, उसके साथ साथ लाइफ भी। किस तरह से सिचुएशन है आप दो साल से मुझे देख ही रहे, तो कभी अटैक होते हैं, कभी पुलिस पकड़ के ले जाती है, कभी प्रोटेस्ट में होते हैं, कभी पैसे खत्म होते हैं, कभी घर छूट जाता है, कभी गाड़ी बिक जाती है, कभी जंगल में रहना पड़ता है। तो अभी दो तीन दिन के लिए किसी दोस्त के पास हूँ, क्योंकि वो यहाँ है नहीं, तो मैंने कहा उसके घर पर रह लूँ। बोले ठीक है, तो वो आ जाएगा कल, तो मैं यहाँ से भी जाना पड़ेगा, लेकिन चलिए फिर वापस जंगल में मिलेंगे। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वाकई में क्या है ये पूरा मामला, क्या कहा करण जौहर ने, किस तरह से कॉफी विद करण में पता नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। करण जौहर कॉफी विद करण में हर बार हर एक्ट्रेस को सामने सुशांत का नाम क्यों लेते थे, मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि और जब नाम लेते थे और हर तरह से एक्ट्रेस की तरफ से निगेटिव रिप्लाई आता था, तब उसके बाद भी वो ड्राइव में उसको क्यों लिए, फिर क्यों लिया ड्राइव में, अगर उनको पता था करण जौहर को कि भाई हर एक्ट्रेस तो उनको बुरा रिप्लाई दे रहा है, दुनिया देख रही है, तो शायद इसकी फिल्म चले ना चले, तो फिर ड्राइव में क्यों लिया? तो क्या इसलिए लिया कि ड्राइव फिल्म ये करनी है? क्योंकि ड्राइव के बारे में और एक बात आपको बता देता हूँ, ड्राइव फिल्म पहले शूट हुई, उसके बाद रीशूट हुई। और अगर ड्राइव फिल्म आप देखोगे तो सुशांत के अपोजिट में एक हीरोइन है जैकलिन, उसके साथ और एक लड़का है, उसका रोल ज्यादा है, जो अट्टा गाटा तगड़ा, मतलब वो करण जौहर के साथ क्या करता होगा वो सोच लो। लेकिन इस तरह से दोबारा शूट इसलिए की गई थी कि फिल्म को और डाउन किया जाए और फिर उसके बाद थिएटर में रिलीज ना करके नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाए, आप समझ गए। और बाद में नेटफ्लिक्स पर भी कुछ दिन के लिए निकाल दी गई थी, वो इस क्यों निकाल दी गई थी, क्योंकि अब तो पब्लिक को रोक ही नहीं रहे थे, दिल बेचारा नेटफ्लिक्स पे, दिल बेचारा ओटीटी पे रिलीज हो गए हॉटस्टार पे, वो इसलिए क्योंकि थिएटर बंद थे। लेकिन नेटफ्लिक्स ड्राइव तो अब रिलीज हुई जब थिएटर चालू थे कोरोना के पहले, लेकिन वो नेटफ्लिक्स पे डाली गई और बाद में नेटफ्लिक्स से भी हटाई गई कोरोना आते ही। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि सारा दिल बेचारा तो सबको ऊपर हिट हो गई, तो ओटीटी पे शायद ड्राइव भी हिट हो जाएगी। तो उसके जाने के बाद भी पता नहीं करण जौहर का, आप ये सारे जो डिस्क्रिप्शन मैंने दिया उस हिसाब से आप सोच सकते हैं। सैफ अली खान की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि सैफ अली खान का जितना जिंदा रहते टाइम सुशांत के साथ रिलेशन था वो सपोर्टिव ही था उसके लिए, बाकी का मुझे नहीं पता। क्योंकि सैफ चाहते तो शायद सुशांत को केदारनाथ बना कर सकते थे, सैफ चाहते तो सुशांत का, क्योंकि सुशांत की राबता जो फिल्म है वो सैफ अली खान के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड का डायरेक्शन है, उसमें नाम मैं भूल गया, लेकिन उन्होंने ही, वो जो राबता फिल्म के डायरेक्टर है वही फिल्म लव आजकल, कॉकटेल वगैरह बहुत सारे फिल्मों में किया हुआ है। सैफ के बोलने पे ही दीपिका पादुकोण ने उसमें आइटम नंबर परफॉर्म करने के लिए हाँ किया था, वरना देखा जाए तो रणवीर सिंह और उस टाइम सुशांत जब जिंदा थे तो रणवीर सिंह और सुशांत मतलब न्यू कमर्स का एक ग्रुप था। तो आपको लगता है रणवीर सिंह की फिल्म में दीपिका पादुकोण आइटम नंबर करेगी? नहीं। लेकिन जब को स्टार अपना बड़ा सैफ अली खान जैसा कोस्टर जब बोलता है तब करना पड़ता है, इसीलिए आप समझे कर रहे हो। तो सैफ, मैं क्योंकि मैं सच बताऊंगा आपको, मैं सब दुनिया के लोगों की तरह बहती गंगा में हाथ नहीं धोता। हाँ, सैफ के खिलाफ मैं इस बारे में जरूर हूँ कि उन्होंने सुशांत के जाने के बाद क्यों नहीं बोला, क्योंकि मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था। क्योंकि यहाँ तक कि मुकेश चावड़ा की फिल्म दिल बेचारा में सैफ अली खान का जो रोल किया सैफ अली खान ने, उसमें एक रुपया भी नहीं लिया और फोन मुकेश चावड़ा की तरफ से नहीं गया था, सुशांत की तरफ से गया था। अब वो अलग बात है कि मुकेश चावड़ा ने बोला था कि इसमें सैफ अली खान फिट बैठते हैं, क्योंकि और कोई हीरो नहीं करता, ये भी पता था मुकेश चावड़ा को। ठीक है, इंडस्ट्री की सारी बातें पता रहती है। अब ऐसा क्या पूछा, अब ये जो कंट्रोवर्सी बनाने के लिए शौकीन करण जौहर रहते हैं, क्योंकि ये सबको बीमारी है। इंडस्ट्री में जो लोग एक बार नाम कमा लेते हैं और थोड़ा मेंटली ठीक नहीं होते, उनको फिर बार बार नाम चाहिए, बार बार कॉन्ट्रोवर्सी चाहिए, भले बदनाम क्यों ना हो, कुछ भी करके नाम आने चाहिए, भले लोग गालियां दें हमको, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम हो या बदनाम हो,
सुर्खियों में कंटिन्यू रहना चाहिए। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री में लोग हैं, अगर एग्जाम्पल पे नाम तो बहुत लोग हैं और क्या क्या करते हैं उनके हिसाब से आपको पता है। यही करना कपूर एक दिन स्टेटमेंट दे रही थी कि मेरी फिल्में ना देखो, ये ना देखो, वो ना देखो, और फिर कंट्रोवर्सी के लिए करण जौहर के शो में जाती है। और करण जौहर क्या पूछते हैं, करण जौहर हमेशा पता नहीं, मेरे को एक प्रॉब्लम है सर, समझ नहीं आती हर बार सेक्स के बारे में क्यों पूछना है आपको, एक ही टॉपिक दिखता है, जबकि आप खुद एक्सेप्ट करते हो कि आप सेक्स में क्या हो। फिर उसके बाद उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है बात बहुत पहले, लेकिन फिर उसके बाद ये क्यों बार 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 बात करते, मेरे को समझ भी नहीं आती है क्या किसी ना किसी टाइप की बीमारी है भाई ये, यहाँ से बीमारी है ये, और कहीं से नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो इलाज करा लेना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। और वो शारीरिक तरह से फिजिकल होना और फिजिकल के क्वेश्चन पूछना जबकि आप फिजिकल नहीं कर सकते, आई डोंट नो, और वो भी लड़कियों से। तो संस्कृति का तो उसको कोई ज्ञान ही नहीं है, वो हो भी नहीं सकता। तो लेकिन मॉडर्नाइजेशन का भी एक लिमिट होता है कि आप कौन हो, किससे क्या पूछ रहे हो और कौन से प्लेटफॉर्म पे पूछ रहे हो। या तो पहले ही आप एडल्ट कंटेंट करके बोल दो तो फिर जो जो देखेगा वो जिम्मेदार होगा। फिर वो गवर्नमेंट पे भी बात आती है कि गवर्नमेंट एडल्ट कंटेंट आप आधार कार्ड लिंक करने के बाद ही देखने देते हो या नहीं देखने देते हो, ये तो गवर्नमेंट की बात है। दुबई में आप जाओगे अलाउड नहीं है, अलाउड ही नहीं है ऐसी साइट। तो मैं यहाँ एडल्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन एडल्ट क्वेश्चन ये करण जौहर पूछ रहे हैं अपने शो में वफी विद करण में, क्या पूछ रहे हैं, करीना कपूर को पूछ रहे हैं कि क्या प्राइवेट पार्ट की साइज मैटर करती है। ये क्वेश्चन आपको लगता है नेशनल टीवी पे दो सेलिब्रिटी बात करें, एक फीमेल के साथ बात करें, मुझे तो बिल्कुल ही ठीक नहीं लगता। आप कितने भी एडवांस हो, कुछ भी हो, एक एडवांस होना, एक सेक्स एजुकेशन होना और उस तरह से अवेयरनेस बनाना, जैसे पैडमैन फिल्म थी, मैं अक्षय कुमार को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो फिल्म का जो कंटेंट था वो सही है, वो नेचुरल चीज़ें हैं जो वुमन के लिए प्रॉब्लम्स हैं, जिसको प्रॉब्लम्स नहीं समझना चाहिए क्योंकि वो नेचुरल है, नैसर्गिक है, तो उसके सॉल्यूशंस ढूंढने चाहिए। राइट, आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। अगर नुसरत भरूचा, मैं उसको भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ बॉलीवुड को, लेकिन कंटेंट बता रहा हूँ, लेकिन उसमें नुसरत भरूचा ने एक फिल्म बनाई थी जो कॉन्डम बेस्ड थी, कॉन्डम के ऊपर थी, लेकिन वो ठीक है क्योंकि ये भी नेचुरल लाया है लोगों ने, क्योंकि पॉपुलेशंस के ऊपर, एड्स के ऊपर, एचआईवी को कंट्रोल करने के लिए जरूरी चीज़ है, तो उसका इस तरह से बताना कोई गलत नहीं है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां उसमें प्रेग्नेंट होती थी जो यंग एज में कर देती है और बाद में उसके बाद प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारी लड़कियां अबॉर्शन के चक्कर में डेथ होती है उनकी। तो ये कंटेंट सही होना सही समझ में आता है, लेकिन इसका क्या एजुकेशन से लेना देना है कि प्राइवेट पार्ट की साइज आपके लिए मैटर करती है। ऐसे क्वेश्चन पूछना है तो आप बता दो ना, एक एडल्ट चैनल ओपन कर दो। बालाजी सीधा सीधा, एकता कपूर तो सीधा बोलती है कि भाई एडल्ट बना दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये कंटेंट मेरे लोग पसंद कर रहे हैं इसलिए मैं बना रही हूँ। वो सीधा सीधा बिजनेसमैन की बात कर रही है, बात खत्म हो गई। आप भी ऐसे कंटेंट फिर ऐसा है कि एडल्ट ओटीपी प्लेटफॉर्म बनाओ, जहाँ पे बुलाओ सबको, जिसको देख रहा है वो देखेगा। गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से ये करना चाहिए ऐसे चैनल को कि आप आधार कार्ड लिंक करो और तभी 18 साल की उम्र हो गई होगी आप, तभी आप देख सकते हो 18-24 जो भी। ये सिस्टम है, लेकिन फिर भी इंडिया में चलता है, कुछ भी चलता है। तो फिर ऐसे कंटेंट पूछते हैं और इसके ऊपर करीना कपूर खान क्या बोलती है, करीना कपूर बोलते हाँ, पहले तो चुप रहती है, बाद में उसकी को स्टार भी पूछती है उसके साथ, तो उसके ऊपर बोलते हैं कि नहीं हाँ मैटर करता है। आई डोंट थिंक ऐसे क्वेश्चंस नेशनल मीडिया में सबके सामने हो। मैं भी ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जवाब देना या ऐसे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाना मैं पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग आ गए हैं समाज में कि अब क्या करें, अवेयर करना जरूरी है ताकि आप इस तरह की बातें उठा सको। क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि ट्विटर से हो या वैसे हो, फर्क तो पड़ रहा है। लाल सिंह चड्ढा से, जैसे बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा चल रहा था ट्रेंड, उस वजह से फर्क पड़ा ना। मुझे तो लगा करीना कपूर खान जिस तरह से बोल रही है कि मत देखो ना फिल्में, फिर नहीं आपको पसंद तो मत देखो, हमने थोड़ी ना बोला है आपको देखने के लिए, फिर भी लोग देख रहे। तो जब आप ये बोल रहे थे तो मुझे लगा कि आपने सेट कर लिया, अभी आप हाउसवाइफ बन के रहने वाली हो और फिर वो खत्म होगी कहानी, इसीलिए आपने इतने बड़े स्टेटमेंट दे दिया। आज मैं तो कभी नहीं बोलूंगा ना भाई मेरे डांस क्लास मत ज्वाइन करो, भाई करो, अगर कुछ गलती हो गई डांस क्लास में तो बताओ, मैं सुधारूंगा, यही बोलूंगा ना मैं, क्योंकि बिजनेस है, काम नहीं करेंगे तो चलेगी कैसे रोटी, जो अभी नहीं चल रही मेरी, लेकिन एक बात बता रहा हूँ। तो इस तरह के स्टेटमेंट में और इन दोनों का, करीना कपूर का स्पेशली और
करण जौहर का, करीना कपूर का इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन करण जौहर का स्पेशली कितना हाथ है सुशांत सिंह राजपूत के केस में आपको पता ही होगा। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बताता हूँ, ड्राइव की बात, इन लोगों को बताने की बात। अब आपको जो जो करण जौहर ने सुशांत के बारे में एक्ट्रेस को पूछा, उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, ये आपको पता है। लेकिन ड्राइव फिल्म के बारे में पता था आपको कि भाई उस फिल्म की 2 बार शूटिंग हुई, फिर थिएटर से कैंसिल करके OTT पे डाली गई, फिर जब कोरोना आया दिल बेचारा हिट हो रही तो OTT से निकाली गई, फिर बाद में लोगों के पोस्ट पे उसमें नेटफ्लिक्स पे डाली गई, सिर्फ नेटफ्लिक्स पे, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे OTT ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज्यादा महंगा है। क्योंकि आपको पता होगा सारी फिल्में नेटफ्लिक्स की, हिंदी फिल्म बॉलीवुड की है ना, सारी की सारी दूसरे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, लेकिन वो नेटफ्लिक्स पे उधर ज्यादा नहीं, क्योंकि नेटफ्लिक्स बहुत महंगा है। अगर ज्यादा देखना है तो अमेजोन प्राइम वगैरह इधर डालते हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स पे महंगी से महंगी फिल्म डालते हैं जो वाकई में लोग उसके लिए देखेंगे, तो नेटफ्लिक्स ज्यादा कॉस्ट देता है। और वैसे सूर्यवंशी सुपर डुपर हिट थी, तो उन्होंने नेटफ्लिक्स को बेची, बाकी OTT प्लेटफॉर्म पे आई नहीं। मुझे इसलिए सारा नॉलेज है क्योंकि मैं बॉलीवुड में 17 साल था, मैं कोई फिल्में नहीं देख रहा हूँ, लेकिन नॉलेज सारा है। ऐसे वीडियोस तो मैं बनाते रहूंगा, लेकिन इस वीडियो को आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, व्यूज ज्यादा आएंगे तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा और मैं ज्यादा नॉलेज कलेक्ट करके आपके पास वो पहुंचाता रहूंगा, ताकि आप जो ट्रेंडिंग कर रहे हो, जो भी चीजें कर रहे हो, वो करते रहो और राइट डायरेक्शन में करते रहो, राइट इंसान की तरफ करते रहो जिसने भी सुशांत सिंह राजपूत को हर्ट किया। जो हमारे सनातन धर्म, हमारी सोसाइटी, हमारे सिस्टम को, एक समाज को, सामाजिक दौर पे जिस तरह से गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ अलग ही ट्रेंड यहां लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों इसको रोकना जरूरी है। और ये जो स्पेशली ट्रेंड है करण जौहर और करीना कपूर का कन्वर्सेशन, मुझे नहीं लगता कि कोई मुस्लिम लीग या मुस्लिम को सपोर्ट करने वाला भी चाहता होगा ये कि इस तरह के कन्वर्सेशन सामने हो, कोई भी धर्म नहीं चाहता होगा। ये तो अलग ही टाइप का कुछ है, ये तो मुझे लगता है कोई कम्युनिटी नहीं बर्बाद कर रही है इस चीज को, क्योंकि कुछ अंडरवर्ल्ड वाले ऐसे भी हैं जो कट्टर मुस्लिम हैं, हालांकि वो भटक गए हैं, वो जियादी वियादी टाइप के लोग हैं, भटक गए, मैं वो सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता उनका, लेकिन वो भी इस तरह के लोगों को नहीं सपोर्ट करते। ये तो सिर्फ और सिर्फ देश को संस्कृति को खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट ना खान गैंग नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है उनका बच जाएगा, तो इसलिए वो ये इन लोगों के थ्रू करते हैं जिनके सरनेम तो हिंदू है लेकिन वो अंदर से हिंदू नहीं। प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर करो, और जितने आप लाइक्स करोगे उतना अच्छा रहेगा मुझे।